नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद में फाइनली महिंद्रा लॉन्च कर चुका है अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो को 2020 मॉडल। इस गाड़ी का दोस्तों बहुत लोगों को इंतजार था, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे इस गाड़ी के लॉन्च होने का। इस गाड़ी को दोस्तों इस बार ऑटो एक्सपो पर भी रिवील नहीं किया गया, और रिवील दोस्तों इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि अभी इस टाइम पर करंटली में महिंद्रा स्कॉर्पियो जो चल रही है उसकी जो ऑन गोइंग वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो डाउन हो जाएगी नया मॉडल आते ही। लेकिन अब फाइनली दोस्तों महिंद्रा लॉन्च कर चुका है अपनी स्कॉर्पियो 2020 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को, और दोस्तों इस गाड़ी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है पहले की महिंद्रा स्कॉर्पियो से। कम्प्लीटली न्यू लुक दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पर, और काफ़ी मस्कुलर लुक दिख जाएगा आपको इस कार में। एकदम नए प्लेटफॉर्म पे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये कार मिलेगी दोस्तों। अगर बात करें फ्रंट लुक की दोस्तों, तो काफ़ी प्रीमियम एसयूवी की तरह बना दिया गया है इस बार इस कार को। इस कार में दोस्तों आपको न्यू फ्रंट बम्पर मिल जाएंगे जो इस गाड़ी को थोड़ा सा वाइडर लुक देंगे, थोड़ा सा ब्रॉडर लुक देंगे, और ये कार दोस्तों आपको कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगी जो अभी ऑनगोइंग मॉडल्स है अवेलेबल मार्केट में। अगर बात करें दोस्तों उस गाड़ी की लेंथ की, तो वो लेंथ दोस्तों उस गाड़ी की पहले से थोड़ी सी इंक्रीज मिल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आपको लेंथ मिलेगी। इस कार में दोस्तों आपको फ्रंट ग्रिल के साथ साथ में प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, एलईडी डे टाइम लाइट्स मिल जाएगी। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें दोस्तों, तो इस गाड़ी में आपको पहले से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और अगर बात करें एलॉय व्हील्स की, तो दोस्तों आपको इसमें R17 R18 इंचेस के एलॉय व्हील्स अवेलेबल मिल जाएंगे। इंटीरियर से भी दोस्तों उस गाड़ी को काफ़ी अलग लुक दिया गया है, काफ़ी लग्जरी बना दिया गया है देखने में, कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे दिया गया है जो अभी स्कॉर्पियो अवेलेबल है मार्केट में उससे, अभी इस नए वाली स्कॉर्पियो में। अगर बात करें दोस्तों इंटीरियर की फीचर्स की, तो उस गाड़ी में आपको मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील तो मिल ही जाएगा, उसके साथ में दोस्तों आपको 8 इंचज फुली टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा, और दोस्तों आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, वॉइस कमांड के साथ साथ में दोस्तों इस गाड़ी में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी काफ़ी सारे कमांड्स मिल जाएंगे। और दोस्तों इस कार में आप अपने सेफ्टी फीचर्स भी मॉनिटर कर सकते हैं अपनी LED स्क्रीन के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस चार्जिंग मिलने के भी चांसेस है आपको इस बार महिंद्रा स्कॉर्पियो में, और हो सकता है कि आपको सनरूफ भी देखने को मिले स्कॉर्पियो के इस वाले मॉडल में। ये कार दोस्तों आपको 7 और 8 सीटर में अवेलेबल हो जाएगी। 7 सीटर में दोस्तों आपको 2+3+2 में अवेलेबल होगी, और 8 सीटर के वेरिएंट में 2+3+3 में अवेलेबल होगी। 8 सीटर में दोस्तों पीछे से गाड़ी की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें फिनिशिंग की दोस्तों, तो काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग दी गई है इस कार में इंटीरियर में, और इस गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ में दोस्तों आपको सभी रोज में आर्मरेस्ट मिल जाएगा, और सभी सीट्स पर हेडरेस्ट भी अवेलेबल मिल जाएगा। पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल होगा आपको इस कार में। अगर बात करें इंजन की दोस्तों, तो इस कार में आपको 2.0 लीटर टर्बो 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा जो आपको 150 BHP की पावर प्रोवाइड करेगा और लगभग 400 Nm टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ये कार दोस्तों आपको 6-स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल मिल जाएगी, साथ साथ में दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है ये कार। अब बात करें दोस्तों अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है सेफ्टी, और दोस्तों सेफ्टी के मामले में महिंद्रा की कार काफ़ी अच्छी होती हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से इस कार में भी सेफ्टी को लेकर सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इस कार में दोस्तों आपको सेफ्टी के काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे दोस्तों आपको 6 एयरबैग्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ में दोस्तों आपको ABS+ABD भी मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, स्पीड अलर्ट सिस्टम मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स भी मिल जाएंगे दोस्तों आपको इस गाड़ी में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में अगर हम बात करें, तो ड्राइवर असिस्टेंट मिल जाएगा, लेन कीप असिस्टेंट मिल जाएगा, हाई बीम अलर्ट के साथ साथ में दोस्तों आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएंगे, और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी दोस्तों आपको इस कार में अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस बार दोस्तों स्कॉर्पियो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में अवेलेबल मिल जाएगी मार्केट में, और एकदम नए प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है दोस्तों इस कार को, जिस प्लेटफॉर्म पे फोर्ड या बाकी कंपनीज भी आजकल अपनी SUV को बना रही है। तो दोस्तों एकदम नए प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी ये कार, और ये कार लॉन्च होने के बाद में दोस्तों क्रेटा, हेक्सा और इनोवा क्रिस्टा जैसी कारों से कम्पीट करती हुई आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस कार के लॉन्च डेट की, तो ये कार दोस्तों 2020 में मई या जून के आसपास लॉन्च होने वाली थी, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से और इंडिया में जो हो रहा लॉकडाउन है और बाकी वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से दोस्तों हो सकता है ये कार 2020 के एंड में लॉन्च हो। और अगर आप बात करें दोस्तों कि इस कार का प्राइस कितना होगा, तो दोस्तों इस कार का प्राइस लगभग 12.5 लाख से 18 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा एक शोरूम प्राइस। तो दोस्तों अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो दोस्तों लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल पाए और मैं इस तरीके की और वीडियोस आप लोगों के सामने ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गोल्डन टॉक्स।